आज मैं लेकर आई हूँ मखनी दाल और तंदूरी रोटी की रेसिपी। जब आप मेरे इस तरीके से दाल मखनी और तंदूरी रोटी बनाएंगे, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आइए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें एक गिलास लगले में, आधा गिलास राजमा और थोड़ी सी चने की दाल। राजमा उड़द को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसमें पानी डाल देंगे। अब ढककर इसे 7-8 घंटे के लिए हम भिगो कर रख देंगे। आधा किलो मैदा ले लिया है, 1 चम्मच शुगर पाउडर डाल देंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक लेंगे, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटा चम्मच सोडा, 1 कटोरी दही लेंगे, गुनगुना दूध ले लेंगे। इस दूध को डाल डाल कर थोड़ा थोड़ा सा हम इसको डो बना लेंगे। रिफाइंड तेल डाल देंगे और अच्छे से गूंधेंगे आटे को। इस तरह से डो चाहिए, देखो डो हमारा सॉफ्ट है। डो पर हम रिफाइंड तेल लगा कर रखेंगे, हमारे डो पर पपड़ी ना जमे। 1 से 1.5 घंटे के लिए हम ढककर इसको रख देंगे। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, उड़द फूल के दुगने हो गए हैं, राजमा भी फूल चुका है। अब इसको अच्छे से मलेंगे, ऐसे 3-4 पानी से फिर से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश कर लिया है, उड़दों का देखो कालापन सब खत्म हो चुका है, उड़द हमारे हरे हरे हो चुके हैं। ये कुकर में हम उड़द और राजमे को डाल लेंगे। थोड़े से मसाले डालते हैं, 2 तेज़पत्ता लेंगे, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, टेस्ट के मुताबिक नमक, 2 बड़ी इलायची। उड़द और राजमा गलने लायक पानी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगाकर तेज आंच पर हम कुकर में पहले 1 सीटी लगाएंगे, फिर 5 सीटी लगाकर गैस को बंद कर देंगे। कुकर को खूब ठंडा होने के बाद कुकर खोलकर देखेंगे। आइए कुकर को खोलकर देखते हैं। उड़द और राजमा अच्छे से गल चुके हैं, तेज पत्ता को निकाल देंगे। 1 बड़ा टमाटर कटा हुआ ले लेंगे, कुछ लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पानी डालकर इन सबका पेस्ट बना लेंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया है, चॉप की प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा डालकर इसको अच्छे से हम सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब हम प्याज फ्राई में टमाटर लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। ग्रेवी ने तरी छोड़ दी है, उड़द और राजमा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। अगर इसमें पानी कम हो तो थोड़ा सा गर्म पानी कर डाल देना। इस तरह से हम दाल को घोटते रहेंगे और पकाते रहेंगे। गैस को हमें धीमी रखना है। मैंने तो दाल की कबीर से ही घुटाई कर दी, आप दाल की घुटाई मथनी से भी कर सकते हैं। मुझे आदत कबीर से ही दाल घोटने की है। थोड़ा गर्म पानी डालेंगे इसमें और धीमी गैस पर हम दाल को और पकाएंगे। दाल मखनी को हम डिम गैस पर जितना बनाएंगे उतना इसका टेस्ट दुगना होता है। आइए हम अपने डो को देखते हैं। इस तरह से सॉफ्ट हो चुका है, एक दफ़ा हम इसे और गूंद देंगे थोड़ा सा हाथों पे तेल लगाकर। डो को 5 मिनट का और रेस्ट देंगे। मखनी दाल को मैं जब से डिम गैस पर पका रही थी, ये देखो किस तरह से घुल मिल गई है। 1 कटोरी घर की मलाई है, ये डाल देंगे, आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा मैं नमक डाल दूंगी। दाल मखनी बनकर तैयार है, हम तड़के की तैयारी करते हैं। पैन में घी को ले लेंगे, बटर डाल देंगे, हम गैस जलाएंगे। पहले हम घी को डालेंगे तो बटर हमारा जलेगा नहीं, घी पहले डाला है, बटर बाद में डाला है। कटी हुई अदरक ऐड करेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तड़का तैयार है, कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिला देंगे। तड़का हम दाल पर डाल देंगे। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर सेक लिया था, हाथों से हम क्रश कर लेंगे। कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिला देंगे। अब दाल मखनी बनकर तैयार है। थोड़ा सा हम डो लेंगे, इस तरह से डो को थोड़ी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। इतनी बड़ी हमें सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेनी है। सारी लोइयां तैयार हो गई हैं, इस तरह से उसको गोल करेंगे, हाथों से चपटा कर लेंगे, इसे मैदे में लगाएंगे। इसकी हाथों से इस तरह से हम चंगेरी बनाएंगे। हम बेलन से इस रोटी को बेल लेंगे, फिर से हम इस पर मैदा लगाएंगे, ऐसे डालेंगे। जिससे तंदूरी रोटी नहीं बनानी आती है, मेरे इस तरीके से घर पर तंदूरी रोटी आराम से बनाकर खाएंगे। रोटी को थोड़ा सा हम हाथों से बढ़ाएंगे इस तरह से। तंदूरी रोटी को हम मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। हमने इस कपड़े का पफ बना लिया है, इस रोटी को हम कपड़े पर डाल लेंगे और हाथों से थोड़ा थोड़ा सा और फैलाएंगे। अब हम इस रोटी पर पानी लगाएंगे। ये देखो कितनी गोल सी रोटी बनी है, पानी अच्छे से लगा लेना है जो तवे पर अच्छे से चिपक जाए।
गैस पर मैंने तवा पहले से गरम कर लिया था। अब इस तरह से हम इस पफ को लेंगे और रोटी को तवे पर डाल देंगे। ये रोटी में हमारे बबल्स उठ रहे हैं, ये देखो। बस अब हम इस गैस पर इस तरह से हम इस रोटी की सिकाई करेंगे। ये रोटी हमारी कितनी अच्छी, देखो इधर से भी सिक चुकी है और इधर से भी। कितनी प्यारी रोटी आई हमारी, तंदूरी रोटी बनकर अब ये तैयार। हम इसी तरह से सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया दाल मखनी बनकर तैयार है। दाल मखनी को हम क्रीम के साथ सर्व करेंगे। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।